दिल्ली के जो चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया साहब को करप्शन चार्जेस में, लिकर पॉलिसी में जो करप्शन किया गया है, रिपोर्टेडली जो अरेस्ट किया गया है, आप दिल्ली कांग्रेस के जो है नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, तो ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है दिल्ली में उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा ये कहना है, पुरानी प्रोवर्ब है, चोर को नहीं चोर की माँ को मारना चाहिए, और चोर की माँ है केजरीवाल। केजरीवाल का अरेस्ट होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी से कि केजरीवाल जी का अरेस्ट कब होगा और उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा, कौन से बेहतर समय का इंतजार किया जा रहा है, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये जो है एक मिनिस्टर पहले से ही जेल में है, अब ये दूसरे मिनिस्टर जो है उनके सीनियर मिनिस्टर थे, वर्चुअली ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, तो अब ये जो है किसी से ना इस्तीफा लेते हैं, वो जेल में बैठा हुआ है, एक 6 महीने से बैठा हुआ है, एक मिनिस्टर बैठा हुआ है, दूसरा जो है तो अब ये गिरफ्तार हो गया है, तो ये तो एक दूसरे पार्टियों से तो वो मुतालबा करते हैं कि किसी पर सीरियस चार्ज लग जाता है सिर्फ तो मुतालबा करते हैं कि इस्तीफ़ा दे दे, उसको हटा दे, रिमूव कर दे। अब इस ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, देखिए एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये आरएसएस की ए टीम और बी टीम है जी, और ये 2024 तक ये नूरा कुश्ती चलती रहेगी जी। आप ये बताइए, केजरीवाल जी तो इस्तीफा नहीं ले रहे, दिल्ली का एलजी उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहा, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत है जी, तो इसका मतलब मिले हुए हैं, ये चाहते हैं ये नूरा कुश्ती चलती रहे, यही कहना चाहता हूँ। तो ये शीला दीक्षित गवर्नमेंट पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाया करते थे केजरीवाल जी, कहा था कि भाई मैं जैसी पावर में आ जाऊँगा उसके बाद फ़ौरन अरेस्ट कर लूँगा, इन सब के खिलाफ मुकदमे चलाऊँगा, लेकिन सब मामला टाई फिश हुआ, तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? कांग्रेस का जो वो था, कांग्रेस की छवि को जो ख़राब किया था इन्होंने। देखिए, वो एक आरएसएस का ही एजेंडा था जिसके अंदर 2G स्कैम और ये कॉमनवेल्थ गेम और शीला दीक्षित के खिलाफ और आपका बिजली कंपनियों का ऑडिट होगा, ये 5-7 रटे रटाए स्क्रिप्ट लिख के आरएसएस ने इन दोनों को दिया था। परंतु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इनका 8-9 साल का शासन काल हो गया दोनों का, कोई तो आरोप सिद्ध हुआ नहीं, झूठ की बुनियाद पे दीवार खड़ी की थी, और झूठ की बुनियाद जो होती है झूठी होती है। तो ये अब कांग्रेस के लिए क्या रास्ता है, कांग्रेस किस तरह से इस पर रिएक्ट करेगी? एक तरफ तो आप जो है आपको लाइक माइंडेड पार्टी के साथ समझकर बिठाते हैं, साथ में बिठाते हैं, अब ये बड़े बड़े जो है तो करप्शन के मामले स्कैंडल सामने आ रहे हैं, तो उस सूरत में आप किस तरह से ये करेंगे, क्योंकि आपने जो है पिच जो है ना बहुत हाई कर दी है अडानी के मामले में, उसको एक बोफोर्स का इशू बनाने की जा रहे हैं आप। देखिए एक बात है जी कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दंगे हुए और केजरीवाल छुप गए थे, अखिलियत के लोगों में ये बात घर कर गई, एक नागनाथ है दूसरा सांपनाथ, इसलिए आपने देखा होगा कि जब केजरीवाल जी के द्वारा 2 मुस्लिम काउंसलरों को तोड़ लिया गया तो हजारों हजार अखिलियत के लोग उनके घरों को घेर लिया और कहा कि नहीं 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 नहीं, केजरीवाल के साथ अगर आप लोग जाओगे, हमने आप लोगों को वोट दिया है। तो ये बात जनमानस में पहुंच गई, पुरानी प्रोवर्ब है, गांव की आवाज राम की आवाज होती है, ये दोनों एक हैं। इसलिए कांग्रेस की जो लड़ाई है बीजेपी से है, साथ के साथ आरएसएस से है, और आरएसएस के जो घटक दल हैं वो उसमें आ जाते हैं, तो केजरीवाल भी एक घटक दल है, ये मैं कहना चाहूँगा। हाँ, ये बिल्कुल एक मुश्किल बात है कि जहाँ पार्लियामेंट के अंदर मोदी ने कहा कि मैं अकेला और सब मेरे खिलाफ, तो उस खिलाफ में कांग्रेस स्वागत करती है जो भी अपना सकारात्मक योगदान दे सके। ये आपका जो महाधिवेशन हुआ है कांग्रेस का, इससे दिल्ली कांग्रेस को कितना बल मिलेगा, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस जो है बड़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है। देखिए, इस महाधिवेशन से पूरी कांग्रेस को
एक संजीवनी मिलेगी, और जब पूरी कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी तो उस संजीवनी का फायदा दिल्ली कांग्रेस को भी होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। नमस्कार, ये डॉक्टर नरेश कुमार थे जो दिल्ली कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी आरएसएस और बीजेपी की एक बी टीम है, और उनका ये सवाल है, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि जो चोर का असल जो सरदार है वो है केजरीवाल है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है। यह बात जो है उन्होंने पूरे पुरजोर अंदाज में कही, और उनका मुतालबा ये है कि केजरीवाल सरकार को गिरफ्तार केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहिए और उनकी हुकूमत को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ये जो है केंद्र सरकार के हाथ में है, एलजी के हाथ में है। कैमरामैन ज़ीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, रायपुर।